एपिसोड आपको पता है, एंड देन अब जो है वो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, तो इस बारे में आप क्या कहिएगा? देखिए, इट्स अ बिग लॉस फॉर पाकिस्तान, एंड आई थिंक दैट इंस्टीट्यूशन शुड बिहेव इन अ वे दैट पॉलिटिकल क्राइसिस ये नहीं आता पाकिस्तान में. और इमरान खान प्राइम मिनिस्टर रहते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मिलियंस ऑफ केसेस हैं जो कि पेंडिंग हैं, बट सिर्फ इसी केस पे इतनी जल्दी दिखाना, दिस इज़ नॉट ट्रू. बहुत सारे सवाल आ जाते हैं इस पर, बहुत सारे सवाल जन्म लेते हैं कि ऐसा क्यों किया गया. एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को आप विद इन अ डे आउट कर देते हैं, आउट ऑफ द सीन कर देते हैं, एंड इट्स अ ड्रामेटिक थिंग दैट हैड हैपेंड टू पाकिस्तान. और बेसिकली इसमें ये आता है, ये बात एक कॉमन आदमी भी कहता है मुझ जैसा, कि वी आर नॉट इंडिपेंडेंट नेशन. अगर हम इंडिपेंडेंट नेशन होते तो इमरान खान इस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर होते, क्योंकि वो हमारी सवेरेनिटी को की प्रोटेक्शन कर रहा था. उसने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा, उसकी सज़ा इमरान खान को मिली. और हमारी जुडिशरी ने जो रोल प्ले किया, आई एम नॉट हैप्पी विद दैट. जुडिशरी शुड हैव स्टैंड विद द इमरान खान. ठीक है, तो अब रिपरकशंस आप क्या देख रहे हैं कि किस किस्म का जो है वो रिस्पांस पब्लिक की तरफ से आएगा? आप क्या समझते हैं कि क्या ये ओवरटर्न कर देंगे या फिर अर्ली जो इलेक्शंस हैं उसकी तरफ हम जा रहे हैं? इंशाल्लाह वी विल गो टुवर्ड्स द इलेक्शन, इंशाल्लाह वी विल गो टुवर्ड्स द इलेक्शन. लेकिन उससे पहले ये है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स होने चाहिए. इलेक्शन कमीशन में अपोजिशन, क्योंकि अब पीटीआई और अपोजिशन लीडर इमरान खान होंगे, तो उन्हें चाहिए कि वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करें इलेक्शन कमीशन की. इलेक्शन कमीशन में कौन से लोग हैं, कहीं ऐसा ना हो ये रिटर्निंग ऑफिसर्स का इलेक्शन बन जाए. तो सिनेरियो तो इंशाल्लाह इलेक्शन का बनेगा, और इन लोगों के लिए गवर्नमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा.